यूपी का जहां पर पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी में लगे बहुत से शिक्षक कोरोना संक्रमित हुए थे। इस दौरान कई शिक्षकों की मौत की खबरें भी सामने आई थी। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 3 ही शिक्षकों की कोरोना की वजह से जान गई, ऐसा यूपी सरकार का मानना था। वहीं दूसरी तरफ शिक्षक एसोसिएशन का दावा है कि पंचायत चुनाव में ट्रेनिंग और ड्यूटी के बाद 15 मई तक 3100 से ज्यादा शिक्षक अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको बताते चले कि यूपी के शिक्षा मंत्री ने दावा किया है कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान सिर्फ 3 शिक्षकों की ही कोरोना की वजह से मौत हुई। जब उनसे इस आंकड़े को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें मरने वाले शिक्षकों का आंकड़ा चुनाव आयोग की तरफ से मिला है, जबकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले शिक्षकों की एक लिस्ट भेजी है और इस लिस्ट में हर जिले के शिक्षक का नाम शामिल है। इस लिस्ट को देखने के बाद शिक्षक एसोसिएशन ने सरकार के दावे पर ही सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद सरकार ने चुनाव आयोग को अपनी पुरानी गाइडलाइन में अमेंडमेंट करने का आदेश दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 18 जिलों के करीब 200 शिक्षक के नाम उनके पास है जिनकी कोरोना की वजह से चुनावी ड्यूटी के दौरान मौत हुई। वही BSA की तरफ से भी इन शिक्षकों का डेथ सर्टिफिकेट जारी किया गया है। ये वो शिक्षक हैं जो चुनावी ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित हो गए थे और 10 दिनों में ही उनकी मौत हो गई। जिला के अधिकारियों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जान गंवाने वाले शिक्षक और वर्कर्स की लिस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स और चुनाव आयोग को भेजी है। कोरोना संक्रमण से सैकड़ों शिक्षकों की मौत के मामले में अब योगी सरकार सख्ती दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएं कि CM योगी ने मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव पंचायती राज को आदेश दिया है कि पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान जिन शिक्षकों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई है उनके परिवार को राज्य निर्वाचन आयोग से बात करके न सिर्फ मुआवजा दिलाया जाए बल्कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। CM ने कहा है कि चुनाव ड्यूटी के दौरान हुई मौतों को लेकर उन्हें बेहद अफसोस है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की संवेदना ऐसे हर परिवार के साथ है। शिक्षक संगठनों की माने तो हाल में हुए पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले 1621 शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अन्य विभागीय कर्मियों की कोरोना से मौत हुई है।